This conference will now be recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ji, kya hal hai sabka? Theek hai. Shuru Allah ke naam se jo bada meherban aur nihayat rehm wala hai. Aap sabko SEO experts training ke is 24ve batch ke lecture number 9 mein khush aamdeed kehta hoon aur umeed karta hoon ki aap logon ko previous 8 लेक्चर्स तक जो सिखाया समझाया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की कमी रह गई है, कोई सवाल रह गया है, कोई कंफ्यूजन रह गई है, तो आप लोग पूछ सकते हो। आप लोगों को तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह। एक बंदा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी बता दे के लेक्चर स्टार्ट हो गया। ओके फाइन। अच्छा, लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने बताया था कि ये पेमेंट मेथड्स आप लोगों ने जो है क्रिएट करने हैं। ये पेमेंट मेथड ज़रूरत होती है जब आप लाइक डोमेन बाय करने लगते हो, होस्टिंग बाय करने लगते हो, मतलब ये ज़रूरी जो है वो टूल है, ज़रूरी काम है जो आपने करना है, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। लाइक पाइनियर का अकाउंट, आपके पास अच्छे बैंक का अकाउंट होना चाहिए, पेपाल का यूएई या यूके का अकाउंट होना चाहिए, बीटीसी का वैलेट होना चाहिए आपके पास, मतलब ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपको जब इनकी ज़रूरत हो, इनमें फ़ंड की ज़रूरत हो लाइक पेपाल में या बीटीसी में, तो आपके पास ट्रस्टेड पर्सन होना जरूरी है। ओके, ठीक होगा। जो आप लोगों को मैंने असाइनमेंट्स दी थी, अभी तक वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं? बशारत, जो पाइनियर का आ रहा था वो गलत है, वो उनका जो अकाउंट था वो सीज हो गया था। एक्चुअल में कंपनी फ्रॉड नहीं है ना, परफेक्ट चल रही है कंपनी। पायनियर जो है, जैसे कुछ लोग पाइनियर बोलते हैं, कुछ लोग पायनियर बोलते हैं, तो वो कंपनी फ्रॉड नहीं है, परफेक्ट है वो। उस इस कंपनी को जब से ये स्टार्ट हुई तब से मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ये अभी लास्ट मंथ इनका कोई बैंक अकाउंट सीज हो गया था यूएसए में, तो उस वजह से सब ये समझे कि भाई ये कंपनी भाग गई है, मगर ऐसा नहीं है। अच्छा जी, तो आज हमारा बेसिकली जो टॉपिक है वो है होस्टिंग। डोमेन के जितने सीक्रेट्स थे, डोमेन बाय करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, डोमेन बाय करने से पहले आपने क्या चीज़ चेक करनी है, सारा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम बात करेंगे होस्टिंग की। होस्टिंग क्या होती है? हम जो फाइल्स रखते हैं जिस जगह पे, ऑनलाइन जो सर्वर होता है, जैसे कि डाटा हमारा कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में होता है, ऐसे ही जो होस्टिंग होती है वो एक कंप्यूटर होता है, एक सर्वर होता है, जहाँ पे हमारी वेबसाइट की फाइल्स रखी जाती हैं। ठीक है, डोमेन प्लस होस्टिंग इज इक्वल टू वेबसाइट कहलाती है, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया भी था। अब होस्टिंग जो आप लेने जा रहे हो, पहले तो आपको पता होना चाहिए होस्टिंग की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। शेयर्ड होस्टिंग, सेमी डेडिकेटेड,
शेयर्ड होस्टिंग जो होती है वो एक आईपी एड्रेस होता है हैविंग 25 टू 35 यूजर्स और वन यूजर और होस्टेड 10 टू 15 साइट्स. तो एट द एंड फॉर एग्जांपल 25 यूजर हो 10 साइट हो तो ये 250 साइट बनती हैं. एक आईपी एड्रेस पे 250 साइट्स होस्ट हो जाती हैं. ठीक है. अच्छा सेमी डेडिकेटेड या हम वीपीएस की बात करें इस पे 3 to 5 यूजर्स होते हैं. एक यूजर फॉर एग्जांपल पोस्ट करता है 10 टू 15 साइट्स तो ये हो गया फॉर एग्जांपल 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 तो ये 50 साइट्स. ठीक है. कहां 250 साइट्स कहां 50 साइट्स और जो डेडिकेटेड होस्टिंग ये डेडिकेटेड सर्वर आप कह सकते हो उसको इस पे 1 आईपी पर 1 सिंगल यूजर. और इस पे एक यूजर होता है और उसकी फॉर एग्जांपल हैविंग 10 टू 15 साइट्स तो ये एक 10 साइट्स फॉर एग्जांपल. तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि एक जो यूजर है वो उसकी साइटों को ही यूनिक आईपी एड्रेस मिला हुआ है. SEO में आईपी एड्रेस की बहुत ज्यादा अहमियत है. आप लोगों को पता ही होगा कि हम जब इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं सर्वर से आपको अकाउंट नहीं मिल रहा होता क्योंकि आप तो अभी मैं आप लोगों को प्राइसिंग बताता हूं कि इन तीन से उसी हिसाब से दे रहे हो दोनों की प्राइस होती क्या है एक्चुअली. आप लोगों को वॉइस का इशू आ रहा है? वॉइस का इशू आ रहा है? प्रशारत मतलब आप लोगों को आवाज नहीं आ रही या स्लो आ रही है? अच्छा ठीक है. मैं स्लो स्लो वैसे बोल रहा हूँ शायद हो सकता है इस वजह से आप लोगों को महसूस हो. एक जो यूनिक आईपी एड्रेस होता है वो एसईओ के हिसाब से एसईओ में रैंकिंग के हिसाब से उसका वो एक प्लस पॉइंट होता है. उसकी बहुत ज्यादा अहमियत होती है. ठीक है.
जी, मैंने खुद बंद की थी। मैं देखना चाह रहा था कि शायद इंटरनेट जो है कहाँ पे ज्यादा यूज हो रहा है। ओके, तो आप लोगों ने बेसिकली ये समझना है कि होस्टिंग में यूनिक आईपी एड्रेस की क्या अहमियत है। अब होता क्या है कि शेयर्ड होस्टिंग जो होती है वो क्योंकि सस्ती होती है, $12 पर ईयर से स्टार्ट होती है, जो मेंबरशिप जो सेमी डेडिकेटेड होती है वो 30 डॉलर होता है, वो $50 से $70 का जो है वो। तो ये बेसिकली क्या है कि ये प्राइसिंग है होस्टिंग की, टाइप्स की। आपने जब अपनी वेबसाइट को स्टार्ट करना होता है तो उस टाइम आपको शेयर्ड होस्टिंग की जरूरत होती है, आपने शेयर्ड होस्टिंग ही लेनी है। आप एकदम से जंप नहीं करोगे सेमी डेडिकेटेड पे या डेडिकेटेड पे। हाँ, अगर आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी बड़ा है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ। अगर आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी बड़ा है, आपने बड़ा प्लान किया है, आप वीपीएस होस्टिंग ले सकते हो या सेमी डेडिकेटेड सर्वर ले सकते हो, रिकमेंडेड है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप शेयर्ड पे ही रहो, तो आपको फिर बजट डेफिनेटली बढ़ाना पड़ेगा। आप शेयर्ड सेमी डेडिकेटेड यानी कि वीपीएस होस्टिंग फिर ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, आपका अगर प्लान या कह लो कि आपके पास इन्वेस्टमेंट बड़ी है, बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके पास मौजूद है और आपका प्रोजेक्ट भी बड़ा है यानी कि इन्वेस्टमेंट आपकी पास मौजूद है, तो आप फिर डेडिकेटेड सर्वर पर जाओगे, आप शेयर्ड या सेमी डेडिकेटेड नहीं लोगे। अच्छा, ये तो बात हो गई होस्टिंग की, टाइप की। अब शेयर्ड होस्टिंग एक्चुअली स्टार्ट में हर बंदा सेमी डेडिकेटेड या डेडिकेटेड नहीं ले पा रहा होता, तो इसका मैंने मतलब हल निकाला हुआ है, इसका सोल्यूशन है कि मैं आप लोगों को आज ऐसी सेटिंग बता कर जाऊंगा कि जिसको अप्लाई करने के बाद आप जो है शेयर्ड सर्वर पे रहते हुए आपको डेडिकेटेड सर्वर के जो फीचर्स होते हैं, जो होते हैं, वो आप ले सकते हो। ठीक है, शेयर्ड पे ऑफ कोर्स एक लिमिट होती है पर आवर की, स्पाइक बोलते हैं, ट्रैफिक की स्पाइक, वो 1000 2000 स्पाइक की लिमिट होती है, वो अलाउड, ज्यादा आ जाए तो आपका होस्टिंग अकाउंट बंद। अच्छा, तो सेमी डेडिकेटेड यानी कि वीपीएस पे ज्यादा अलाउ होती है, डेडिकेटेड सर्वर पे 10 भी वो बर्दाश्त। तो ये डिपेंड करता है कि इस जो किस तरह की साइट, किस साइट स्टार्ट करने जा, एक्सपेरिमेंटल बना, प्रैक्टिशनर बन रहे होते हो, आप एसईओ में प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो शेयर्ड होस्टिंग रिकमेंडेड होती है। शेयर्ड होस्टिंग के साथ आपने अटैच करना है सीडीएन, सीडीएन कंटेंट डिलीवरी
कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट क्या होता है? मैक्स सीडीएन एंड क्लाउडफ्लेयर। डोमेन के बाद जो चीज में दूसरी बड़ी चीज जो सर्च इंजन जैसे वो है वेबसाइट स्पीड। वेबसाइट 3 से 5 सेकंड में लोड यूजर आपकी वेबसाइट को बंद करके चला जाता है और इस तरह आपकी जो रैंकिंग है उस पे भी इफेक्ट पड़ता है। बाउंस रेट बढ़ता है, रैंकिंग डाउन होती है। समझ, वेबसाइट की जो स्पीड है वो यूजर तो बढ़ाती है, अगर तेज यूजर थकता वेबसाइट के, मतलब ये साइको होती है कि वेबसाइट स्पीड, जब किसी वेबसाइट की स्पीड ज्यादा अच्छी होती है तो यूजर ज्यादा उसको ज्यादा देर तक उसको उस पर ब्राउजिंग करता है, ज्यादा पेजेस को देख सकता है और वो थकता नहीं है, वो आपकी वेबसाइट के मजीद आर्टिकल्स या आपकी वेबसाइट के मजीद पेजेस देखने में इंटरेस्टेड होता है। तो वेबसाइट की जो स्पीड होती है ये, इस पे हमने ध्यान देना होता है। इसको चेक करने के लिए लोग जीटी मैट्रिक्स गूगल ऑफिशियल और अच्छा, ये जो मैक्स सीडीएन है ये एक पेड टूल है, डॉट कॉम में हुआ करती थी, उसके बाद स्टैक पाथ डॉट कॉम वालों ने इसको बाय कर लिया, टेक ओवर कर लिया। ये एक पेड सर्विस है और उनकी सीडीएन की सर्विस आप ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, मैं सीडीएन रिकमेंड नहीं करूंगा। हमारे पास है बेसिकली क्लाउड फ्लेयर,
क्लाउडफ्लेयर क्या करता है? क्लाउडफ्लेयर हमारे जो डीएनएस के बेसिकली इश्यूज होते हैं, चाहिए अजान हो जाए, ये वाली अजान हो जाए, उसके बाद ये दोबारा हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। जस्ट होल्ड ऑन। ये जो क्लाउड प्लेयर है, इसका आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है, साइन अप कर लेना है, और इस पे मैंने इसमें शायद अपना अकाउंट लॉगिन किया हुआ था। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसका अकाउंट साइन अप कर लेना है। फ्री टूल है ये और बहुत जबरदस्त टूल है। इसका अकाउंट हम बना लेंगे अच्छा, यहाँ से हम अपनी साइट को ऐड कर लेंगे। अच्छा, ये मैं आप लोगों को कल सिखाऊंगा इसके बारे में। अभी जब मैं आगे चलता हूँ, एक टूल है जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि अभी हम होस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो होस्टिंग के बारे में आपको सारा मालूम होना जरूरी है। डीएनएस इश्यूज को चेक करने के लिए एक टूल है, include.dns.com। ये बेसिकली मेरा अपना होस्टिंग का सेटअप है, तो मुख्य इश्यू जब आते थे तो डीएनएस का इश्यू होता था। डीएनएस के इश्यू को सॉल्व करने के लिए या कह लो उसको चेक करने के लिए हम include.dns का ये जो टूल है इसको यूज करते हैं। ये आपको नेम सर्वर नजर आ रहे होंगे, ये बेसिकली क्लाउड करके मैंने इसका अपडेट किए हुए हैं सारे। तो रिकॉर्ड का मसला होगा तो वो रेड होगा या इस तरह येलो होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको आपको देखना जरूरी है कि into dns.com पे कि आपकी वेबसाइट के डीएनएस का कहीं का प्रॉब्लम तो नहीं है,
बाद का साइट्स खुल नहीं रही होती ना, ओपन नहीं हो रही होती, या आपको कोई इशू नजर आ रहा होता है, आपको नहीं समझ आ रही होती कि डोमेन प्रोवाइडर का मसला है या होस्टिंग का मसला है, तो इस टूल पे इनटू डीएनएस का जो टूल है इसमें आप आके अपनी वेबसाइट का अपनी डोमेन को चेक करोगे कि उसका इश्यू है क्या एक्चुअली। ये आपको टोटल डिटेल ना पे आपको पता चल जाती है। तो ये टूल्स आप होस्टिंग लेने के बाद ये सारी चीजें बेसिकली आपको पता होना जरूरी है। अच्छा, बेसिकली जो शेयर्ड होस्टिंग होती है उस पर ये भी मसला आ रहा होता है कि एक आईपी एड्रेस पे, क्योंकि बहुत ज्यादा साइट्स होस्ट होती हैं, तो एक यूजर ने अगर कोई स्पैमिंग की है, काम किया है, उस आईपी एड्रेस पे मौजूद तमाम साइट्स को हो तो इस वजह से शेयर्ड होस्टिंग पे जब आप होते हो तो आपने बड़ा ध्यान रखना होता है, आपने हर हाल में क्लाउड फ्लेयर को कनेक्ट करना होता है। जब आपको डोमेन आपने रजिस्टर करवा ली नेम चीप पे या वट एवर गोडेडी पे, किस स्टार पे, नेट फर्म्स पे, कहीं पे भी आपने रजिस्टर करवा लिया है, होस्टिंग क्या करना है, जो डोमेन रजिस्टर करवाई है होस्टिंग की, आप लोग आपने अब होस्टिंग कंपनी होस्टिंग के इस टाइम आपने जो लिखनी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये जी यहाँ पर है पैकेज, पहला $12 ईयरली वाला, $29 पर ईयर वाला, एंड 39 फिर 49, ये डिफरेंट पैकेजेस हैं। अच्छा, जो $12 वाला पैकेज है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दो साइटें होस्ट की जा सकती हैं, एक सर्विस डोमेन कहलाती है यानी कि मेन डोमेन होगी, दूसरी आपकी एड ऑन डोमेन के तौर पर एड होगी, जैसे कि ये लिखा हुआ है वन एड ऑन डोमेन। जो $29 वाला पैकेज है उसमें एक आपकी सर्विस डोमेन और 9 एड ऑन डोमेन यानी कि 10 साइट्स होस्ट करना अलाउ है। जो $39 वाला पैकेज है उसमें जितनी मर्जी साइट्स आप होस्ट करो, स्पेस आपको 10 GB ही मिलेगी होगी टोटल, यानी कि फॉर एग्जांपल आप 10 साइट होस्ट करते हो, एग्जांपल है, और एक साइट आपका 1 GB ले जाता है, तो 10 साइटों से ज़्यादा साइटें आप होस्ट ही नहीं कर सकोगे। तो ये चीज़ भी आपने देखना होती है जब आप होस्टिंग ले रहे होते हो कि आपको कौन सा पैकेज चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो यानी कि जब आप होस्टिंग ले रहे होते हो उस टाइम आपको जिन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, प्राइस तो बाद में आप देखोगे ना, रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, स्पेस कितनी चाहिए, डोमेन्स कितनी आप ऐड कर सकते हो, बैंडविड्थ कितनी चाहिए। स्पेस तो वो होगी ना कि हम कितनी साइट कितने पेजेस होस्ट करेंगे, उनके हिसाब से फाइल का जो साइज होगा, फिर यूज़र जो आएगा उसका, उसकी लॉग फाइल बन रही होगी, उसका एक साइज होगा, मतलब वो जो साइजेस जो हैं वो डिपेंड करेगा कि हमने साइट कितनी हैवी बनाई है। अच्छा, उसके बाद बैंडविड्थ क्या होता है कि कितना यूजर आके कंज्यूम करता है, कह लो कि स्पेस को, फॉर एग्जांपल यानी कि एक हमारी वेबसाइट है वो 1 MB की वेबसाइट है, 100 यूजर आया तो 100 MB ले गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। इस तरह ये GB जो है 100 GB आपको बैंडविड्थ अलाउ है पर मंथ, हर 30 दिन के बाद ये बैंडविड्थ रीसेट हो जाती है। तो जो बैंडविड्थ है ये
ये चीज़ जो है वो कैलकुलेट इस तरह से होती है कि हमारी वेबसाइट का जो साइज है वो क्या है, उसके हिसाब से बैंडविड्थ फिर कैलकुलेट होती है। अच्छा, उसके बाद डेटाबेसिस होते हैं कि हमें कितने डेटाबेसिस अलाउ हैं। इसमें 5 हैं, सी पैनल कंट्रोल पैनल है, PHP एंड MySQL सपोर्ट है, डेली बैकअप्स हैं, ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट अवेलेबल है, ईमेल की सपोर्ट अवेलेबल है, और इस तरह से ये सारे फीचर्स। इसी तरह से मिडी पैकेज है, प्रोफेशनल पैकेज है, फिर एक्सपर्ट पैकेज है। तो ये बेसिकली 4 पैकेजेस हैं। ये मेरा अपना ही सेटअप है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अपहोस्ट.io का, ठीक है। और इसको चलाते हुए मुझे तकरीबन 3 साल का अरसा हो गया। उससे पहले कभी आप कह लो कि तवज्जो नहीं दी थी, ज़रूरत ही नहीं थी, मगर जब से ट्रेनिंग का सिलसिला कार चला है तो स्टूडेंट्स को अच्छी होस्टिंग चाहिए होती है कि सर आपने जहाँ पे अपनी वेबसाइटें रखी हुई हैं हमें भी उसी तरह के अच्छा सर्वर, अच्छी होस्टिंग चाहिए, चाहे शेयर्ड होता है मगर अच्छी होस्टिंग होती है। क्योंकि आपकी वेबसाइट की अगर रैंकिंग नहीं हो रही, उसकी वजह या तो डोमेन आपने कोई गलत ले लिया है, कि यानी कि पहले किसी ने इस्तेमाल की हुई थी, आपने उस तरह की कोई डोमेन ले ली है, मैंने आप लोगों को डोमेन बाइंग वाले लेक्चर में बताया हुआ है। अच्छा, उसके बाद अगर वो मसला नहीं है तो फिर आप होस्टिंग की तरफ आ जाते हो कि आपकी वेबसाइट की स्पीड क्या है, आया कि आपका IP ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, आया कि आपने उस ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए अपना क्लाउड फ्लेयर लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ, मतलब आपने ये चीज देखनी है। और इस चीज को देखते हुए आपने अपने अपनी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को स्टेबल करना है, एक तरह से आपने उसको रैंकिंग को बढ़ाना है, ना कि कम आप उसको कर दो। तो ये चीज भी आपने देखना होती है कि आप जब होस्टिंग ले रहे हो, पैकेज कौन सा ले रहे हो, होस्टिंग प्रोवाइडर कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, एक जैसे गोडेडी से आप डोमेन लेते हो, बड़े शौक से लेते हो, ठीक है, क्योंकि वहां से सस्ती डोमेन मिलती है, मगर उनकी होस्टिंग थर्ड क्लास है, बिल्कुल, यानी कि उससे अच्छा है कि आप होस्टिंग लो ही ना, डोमेन को वैसे ही छोड़ दो। क्योंकि एक होस्टिंग जो बिल्कुल स्टक हो, उतने उन पर पता नहीं कितनी साइटें होस्ट हो चुकी हैं, वहां पे जब आप साइट रखते हो तो आपकी वेबसाइट भी डाउन हो रहती है, डाउन होती है। तो इसलिए ऐसी होस्टिंग ली जाती है जो स्पीडी हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी वेबसाइट की जो रैंकिंग है उसका दारोमदार डोमेन के बाद, यानी कि डोमेन की एज के बाद और डोमेन के एक्सटेंशन के बाद आ जाती है बात स्पीड के, वेबसाइट की स्पीड आपने मेंटेन रखी, और वो होस्टिंग की वजह से आप उसको बरकरार रखते हो, ठीक है। जब आपने डोमेन बाय कर ली, नेम चेंज, जब आप होस्टिंग पे आते हो, आप लोगों को 1 साल के लिए SEO एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म से होस्टिंग मिलने जा रही है। आपने $39 वाले पैकेज पे क्लिक करना। अगर आपने फीस अपनी लमसम पे की है तो आप $39 वाला पैकेज चूज करके अप्लाई करोगे, आपको होस्टिंग मिल जाएगी 24-48 घंटे में। अगर आपने फीस दो पार्ट्स में पे की है फिर आप $12 वाला पैकेज अप्लाई करोगे, ठीक हो गया। आपने डोमेन हमने पहले ले ली है तो आप, अगर कूपन कोड है तो कूपन कोड यहाँ लगा दो, चेक करो। ये जो है आपने सारा जो है प्रॉपरली फिल करना है, और उसके बाद आपने कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। जब ये पेपाल के पेज पे जाएगा देन आपने इसको क्रॉस कर देना है, आपकी जो होस्टिंग की रिक्वेस्ट है वो मुझे रिसीव हो जाएगी। तो जब आपने होस्टिंग,
आप अप्लाई कर दोगे, आपको 24-48 घंटे में होस्टिंग का लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा, तो आपको ऐसा मिलेगा। आपकी जो भी डोमेन होगी, आपको जब होस्टिंग मिलेगी साथ में आपको नेम सर्वर्स मिलेंगे, वो आप ns1.uphost.io और ns2.uphost, ये आपने डोमेन के नेम सर्वर अपडेट कर देने हैं। कहाँ पे करने हैं अपडेट ये भी दिखा। फॉर एग्जाम्पल हम नेम चिप की बात करते हैं, जस्ट मैंने ये कोड मैं डोमेन को ओपन कर लूं, जस्ट होल्ड ऑन, ताकि आप लोगों को ये नेम सर्वर अपडेट करने वाला टॉपिक का भी समझ आ जाए कि आपने नेम सर्वर अपडेट कहाँ करने हैं, ताकि आपकी डोमेन आपकी होस्टिंग के साथ अटैच हो जाए। आज थोड़ा सा नेट भी तंग करता रहा है शायद, CDN बेसिकली CDN का काम क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये देखो CDN का काम क्या होता है, जो हमारी होस्टिंग होती है ना वो एक कंट्री की होती है और वो उसी कंट्री में वर्क कर रही होती है, ठीक है। कहीं से भी रिक्वेस्ट आई, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान यानी कि एशिया रीजन से रिक्वेस्ट आई है, तो उसने अमेरिका के सर्वर को पिंग करना है, अमेरिका के सर्वर से डाटा हासिल करना है। यूरोप से कोई रिक्वेस्ट आई है, तो उसने फिर उस कंट्री से वेबसाइट को लोड करके हमें यूजर को बेसिकली शो करवा देना है। मगर CDN के सिनेरियो में क्या होता है कि CDN सर्वर होता है वो तकरीबन तमाम रीजन में उनके सर्वर लगे होते हैं, तो वो क्या करता है कि हमारी वेबसाइट को सिंक करता है, हमारी वेबसाइट मुख्तलिफ रीजन्स में जो उनके सर्वर लगे होते हैं वहां पे आप कह लो कि उसका एक कैश्ड कॉपी रख लेता है, कैश्ड कॉपी रख लेता है, क्लोनिंग कह लो, क्लोनिंग एक कैश्ड कॉपी कह लो, वो रख लेता है। तो जब जिस भी रीजन से रिक्वेस्ट आती है उसी रीजन के नियरेस्ट कंट्री या नियरेस्ट सर्वर वेबसाइट को यूजर को शो करवा दिया जाता है, इसी वजह से वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाती है। CDN सर्वर का फायदा हमें ये होता है कि हमारी वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि वो नियरेस्ट सर्वर से हमारी वेबसाइट को लोड करके यूजर को शो करवाता है। यही काम डेडिकेटेड सर्वर में भी हो रहा होता है, इसीलिए डेडिकेटेड सर्वर की स्पीड ज्यादा तेज होती है, समझ आ रही है? तो हम शेयर्ड होस्टिंग पे रहते हुए डेडिकेटेड सर्वर के मजे ले सकते हैं,
क्लाउड फ्लेयर जैसी बेहतरीन सर्विस को यूज करके। तो आपने सीडीएन सर्विस को अपनी वेबसाइट को स्टार्ट करने से पहले यूज करना है। लाइक अभी मैं नेम सर्वर अपडेट करने जा रहा हूँ, मैंने मुझे जैसे ही नेम सर्वर मिले मेरी होस्टिंग के, वो मैंने अप्लाई कर देने हैं। के 24 से 48 घंटे के बाद मैंने अपनी वेबसाइट को क्लाउड फ्लेयर पे लगा देना है। वो कैसे लगाना है वो मैं आप लोगों को कल समझाऊंगा। अभी के लिए यही आपने समझना है कि पहले आपने आपको जो नेम सर्वर मिले ns1.uphost.io या कस्टम डीएनएस में आके, पहले नेम चिप बेसिक डीएनएस होगा, कस्टम डीएनएस में आके ns1.uphost.io और ns2.uphost.io ये आपने सेव कर देना है। और उसके 24 से 48 घंटे के बाद आपने क्लाउड फ्लेयर के साथ अपनी वेबसाइट को अटैच करना होगा। वो कैसे करना होगा वो मैं आप लोगों को कल डिटेल में समझाऊंगा इंशाल्लाह। फिर आप लोगों को उसकी प्रॉपरली समझ आ जाएगी कि कैसे आपने ये काम करना था। ठीक है, तो आपने होस्टिंग के लिए अप्लाई कर दिया, आपको 24 से 48 घंटे में होस्टिंग मिल जाएगी। और होस्टिंग का आपको क्या क्या मिलेगा, आपको नेम सर्वर मिलेंगे, होस्टिंग लॉगिन यूआरएल मिलेगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड मिलेगा। ताकि आप नेम सर्वर मिलेंगे, आप डोमेन में अपडेट कर दोगे, होस्टिंग का लॉगिन यूआरएल मिलेगा ताकि आप अपना लॉगिन पासवर्ड लगा के और होस्टिंग में लॉगिन हो जाओगे। ऐसे जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सी पैनल है, कंट्रोल पैनल है। एक्चुअली इसको भी डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा कल। और वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है एक्चुअली आप लोगों को जो साइट बनाना सिखाऊंगा वो वर्डप्रेस पे सिखाऊंगा। तो वो कैसे करना है वो आप लोगों को इंशाल्लाह कल सारा डिटेल में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और आज का ये लेक्चर है इसको डिटेल में देखना है, मैंने आप लोगों को क्या क्या चीज बताई है इसको नोट डाउन करना है। हो सकता है कल मैं आप लोगों से छोटा सा एक शॉर्ट टेस्ट ले लूँ। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज। पेपाल अकाउंट क्रिएट करने का तरीका कार बशारत, मैं अपनी वॉल पे पोस्ट कर चुका हूँ, यूट्यूब पे चैनल पे जाके ना पेपाल का अकाउंट क्रिएट करने का तरीका समझ लो। अगर आपको पेपाल का बना बनाया अकाउंट चाहिए तो वो भी मेरे पास प्रोवाइडर होते हैं और आपको वो भी मिल जाएगा, यूके का या यूएई का। ठीक हो, ओके जी, ओके, जजाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।